आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड से रिलेटेड जो है हिंदी के चैप्टर संधि विच्छेद से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। मैं डेली बेसिस पर जो है प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से वो सभी वीडियो देख सकते हैं, जो कि प्रीवियस 10 वीडियो छोड़े गए हैं, जो कि चैप्टर वाइज प्रश्न है, जो कि काफ़ी आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है, रविंद्र का संधि विच्छेद है। जैसे कि आप देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो रविंद्र का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है रवि प्लस इंद्र होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आप देख ले, वो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, रवि प्लस इंद्र होता है रविंद्र का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है आपका, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो राजेंद्र का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है राज प्लस इंद्र, राज प्लस इंद्र होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न है आपका, सज्जन का संधि विच्छेद है। तो सज्जन का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है सत प्लस जन। आप देख ले ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन आप डी देखेंगे तो सत प्लस जन जो होता है सज्जन का जो होता है संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट आपका है, तपोबल का संधि विच्छेद क्या होता है। तो तपोबल का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है तपह प्लस बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा, तपह प्लस बल तपोबल का जो होता है संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट है आपका, सदाचार का संधि विच्छेद है। तो सदाचार का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है सत्य प्लस आचार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी होगा। प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है विद्या प्लस आले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन आपका बी, विद्या प्लस आले जो होता है विद्यालय का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट है, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निश्चय का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है निह प्लस चय। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए सही है, निह प्लस चय। आप रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखेंगे, आपके दिमाग में जो है कंसेप्ट प्लस जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है बैठ जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में इसी लेवल के प्रश्न होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नयन का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है निह प्लस अयन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जगरनाथ का संधि विच्छेद है। तो जगरनाथ का संधि विच्छेद जो होता है वह होता है जगत प्लस नाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। तो उद्घाटन का संधि विच्छेद होता है उत प्लस घाटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महेश का संधि विच्छेद है। तो महेश का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है महा प्लस ईश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, महा प्लस ईश जो होता है महेश का संधि विच्छेद होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, मन्वंतर का संधि विच्छेद है। तो मन्वंतर का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है मनु प्लस अंतर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, षष्ठ दर्शन का संधि विच्छेद क्या है। तो षष्ठ दर्शन का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है षष्ठ प्लस दर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है। तो वार्ता प्लस आलाप जो होता है, वार्तालाप का जो होता है संधि विच्छेद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जगदम्बा का संधि विच्छेद होता है। तो जगदम्बा का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है जगत प्लस अम्बा। देखिए तो वाला में हलंत लगा होना चाहिए, वही सही होता है, अधिकतर का आंसर इसी में गलती हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जगत प्लस अम्बा अधिकतर व तो में पाई लगा होता है या हलंत लास्ट में होता है, वही आपका सही उत्तर होता है। नेक्स्ट है आपका, महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महा प्लस उत्सव जो है महोत्सव का संधि विच्छेद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संतोष का संधि विच्छेद है। तो संतोष का संधि विच्छेद जो होता है वो आपका होता है सम प्लस तोष।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, नायक का संधि विच्छेद होता है, तो नायक का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है नपरदुल्ले नैक। नपरदुल्ले हम लोग नय बोलते हैं, तो नैक प्लस अक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्गम का संधि विच्छेद होता है, तो उद्गम का जो होता है संधि विच्छेद वो आपका होता है उत प्लस गम, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उद्गम का। नेक्स्ट है आपका, जगदीश का संधि विच्छेद होता है, तो जगदीश का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है जगत प्लस ईस, जगत में देखिए पाई हलंत लगा होगा ये वाला और ईस, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संसार का संधि विच्छेद होता है, तो संसार का जो आपका संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस सार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लंबोदर का संधि विच्छेद होता है, तो जिसका लंबा हो मतलब उदर, तो गणेश जी होते हैं इसका मतलब, लेकिन लंबोदर का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है लम प्लस उदर, तो देखिए लम प्लस उदर दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा होगा ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपका है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिग्गज का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है दिक् प्लस गज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखिए, क में देखिए हलंत लगा हुआ, याद रखिएगा हलंत वाला ज़्यादातर जो होता है सही होता है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको रहे, यशोधरा का संधि विच्छेद है, तो यशोधरा का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है यश प्लस धरा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, निश्चल का संधि विच्छेद होता है, तो निश्चल का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नी प्लस चल, तो इसका निह प्लस चल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अगला प्रश्न है, कपीस का संधि विच्छेद होता है, तो कपीस का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है कपि प्लस ईस, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गणेश का संधि विच्छेद है, तो गणेश का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है गण प्लस ईस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है, वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वाग्जाल का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है वाक्य प्लस जाल, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। तो मैंने इस वीडियो में जो है टोटल 28 प्रश्न जो संधि विच्छेद से रिलेटेड देखा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।